रोज रोज अगर आप दाल चावल खा के हो गए हैं बोर, तो बनाइए या टोमेटो करी, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इतनी टेस्टी बनती है कि आप रोज हमेशा की जगह 2 गुना ज़्यादा चावल खाएंगे, इतना ये टेस्टी है। ऐसे टोमेटो करी, टोमेटो सार बनाने में भी आसान है और इतनी टेस्टी लगती है ना। अगर इसे आपने एक बार बना लिया तो हमेशा यही बनाएंगे, इतनी ये टेस्टी टोमेटो करी। तो देखते हैं कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच धनिया और 5-6 से आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं। अभी इसे अच्छी तरह से धो के हमें आधा से 1 घंटे के लिए भिगो के रखना है। थोड़ा गुनगुना पानी इस्तेमाल कीजिए और इसे भिगो के रखिए ताकि हरी मिर्च लाल मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अभी मैंने यहाँ पे आधा किलो टमाटर लिए, एकदम लाल वाले टमाटर, अच्छे से पके हुए टमाटर हमें लेने हैं। बीच धो के अच्छी तरह से हमें इसे कट करना है, तो बीच में से हम लोग आधा कट करेंगे इस तरह से। अगर इसमें कोई कीड़ा वगैरह रहे तो वो भी हमें दिखाई देगा। और जब ये हमें इसे पकाएंगे तो उसका छिलका भी निकालने में आसानी होगा, इस तरह से कट करके डालेंगे तो। यहाँ टमाटर मैंने कट कर ली है, अभी इसे अच्छी तरह से पकाना है। तो हमें मैं लूँगी कुकर में थोड़ा सा पानी और इसमें डाल के एक बस एक ही सीटी लगानी है हमें। अगर इसे कुकर में नहीं पकाना है तो आप कढ़ाई में भी पका सकते हैं, पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। कुकर में कैसे झट से हो जाएगा, इसके लिए मैंने कुकर में लगाया। अभी एक सीटी निकाल के हो गई है, देखिए टमाटर का छिलका एकदम इजीली निकल आ रहा है। तो बस एक सीटी में एकदम सॉफ्ट टमाटर हो जाते हैं। तो छिलका मैंने निकाल लिया। अभी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप फ्रेश कोकोनट, 6 लहसुन की कलियाँ, आधा प्याज लिया है कट करके, और जो हरी मिर्च लाल मिर्च और धनिया हम लोगों ने भिगो के रखा था उसका पानी निकाल देना है। अभी मिक्सर जार में हमें डालना है कोकोनट और जो पीसने के लिए सब सामग्री रखी थी हम लोगों ने उसे, और इसमें डालेंगे धनिया और लाल मिर्च और जो टमाटर हम लोगों ने पका के रखे थे उसे भी डालना है। और इसकी एकदम फाइन पेस्ट हमें बनानी है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, टमाटर की वजह से ये एकदम फाइन पीस जाता है। तो देखिए एकदम फाइन ऐसे हम लोगों ने इसे पीस लिया है। अभी इसे लगाएंगे तड़का अच्छी तरह से। तो गैस पे मैंने कढ़ाई में 3 चम्मच तेल गरम करने रखा था और 3 से 4 लहसुन लेनी है। बस थोड़ा सा क्रश करके लहसुन को डालना है। ये क्रश करके लहसुन डाला हुआ का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने मस्टर्ड सीड लिए है सरसों, और 1/2 चम्मच जीरा। और जीरा और सरसों अच्छी तरह से तड़कने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता भी अच्छी तरह से देखिए फ्राई हो गया है। तो अभी कर देंगे गैस को बंद और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, उसी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, गैस बंद करने से हमारे जो मसाला है जलेगा नहीं। बीच में तुरंत हम लोग ने पीस के चटनी जो बना के रखी थी उसे डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दोबारा गैस को चलाएंगे। अभी मिक्स कर लिया है मैंने, गैस को चालू कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी इसमें पानी, आपको जितना ग्रेवी गाढ़ी या पतली चाहिए उस हिसाब से आप पानी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये करी जो है ना थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, तो इसके लिए मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। जो टमाटर पकाने के लिए हम लोगों ने पानी डाला था वो, और मिक्सर जार अच्छी तरह से धो के हमें इसमें डालना है। तो देखिए पानी आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये गाढ़ी ही चावल के साथ टमाटर करी बहुत अच्छी लगती है। अगर मेरी दिखाई हुई रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। स्वाद के अनुसार यहाँ पर मैंने नमक मिक्स कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसे 4 से 5 मिनट तक के लिए अच्छे से बॉईल करना है। ये जो करी है ना टमाटर की, आप ज़रूर बना के देखिए। आपने अगर एक बार बना लिया ना तो बार बार बनाएंगे, क्योंकि चावल के साथ इतने टेस्टी लगती है ना। हमेशा वही दाल चावल खा खा के कभी बोर हो जाते तो उस समय ये ज़रूर बनाइए। अभी अच्छे से उबलने के बाद हम लोग इसमें धनिया ऐड करेंगे और धनिया को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई है टमाटर की करी रेडी, बहुत ही टेस्टी और आसान ऐसी रेसिपी।
तो ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि ये टमाटर की करी आपको कैसी लगी। और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये रेसिपी देख सकते हैं। तो बनाइए टमाटर करी और अपने फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। उससे से टमाटर की करी देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा, इतनी ये टेस्टी बनती है।